भागवत जी की कथा कराने के लिए भागवत जी में लिखा है विशाला वसुधायाम, एक विशाल वसुधा का चयन किया जाए जहां पर बहुत लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, और जब जो भी आगंतुक आए तो मुख्य यजमान के लिए नियम है, मुख्य यजमान ध्यान रखे कि वह भगवान की कथा में आने वाले आगंतुकों के लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था लगाए, और व्यवस्था लगा करके बड़े आदर से बैठा ले, सुंदर स्थान पर बैठा ले, उनके भोजन की अनुचित व्यवस्था करे, उचित व्यवस्था करे उनके भोजन की, बैठने की। और कोई आपका यदि विरोधी भी आ जाए, कोई आपका दुश्मन भी आ जाए, तो इस व्यवस्था में आने वाले लोगों से आप बड़े आदर से बात करें, बड़े शिष्टाचार के साथ बैठाएं। और आपके दो मेहमान आए हुए हैं, आपके यहाँ जो आगंतुक आए हैं, उनके साथ बड़ी शिष्टता का परिचय दें।